हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज लोग हम लोग बात करेंगे करीब करीब 5 से 6 शेयर्स के बारे में, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आज जो मैंने शेयर सिलेक्ट किया है वो है बाटा इंडिया। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इससे रिलेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि इस शेयर का टारगेट 5000 तक हो सकता है। बहुत सारे जो बड़े ब्रोकिंग फर्म है उन्होंने भी कहा है कि 5000 तक का इसका टारगेट हो सकता है, और जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस करके आपको बताया था कि एक आने वाले फ्यूचर में ये एक मल्टीबैगर करके सामने आएगा। जब भी मैंने ये वीडियो बनाया था तभी ये शायद से 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मतलब 1250 के आसपास था, और आज इसका आप प्राइस देख सकते हो फ्रेंड्स कि 1464, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस कर रहा था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा जो मैंने इससे रिलेटेड बनाया था, बाटा से रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज की बात यही बताने के लिए स्पेसिफिकली मैंने इसको कवर किया था कि आप देख सकते हो कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, 18 रुपये से भी ज़्यादा अप है। अगर आप देखोगे तो और भी ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो इसका चार्ट पैटर्न देखो तो 5 दिन पहले आपको ये करीब करीब मिल रहा था 1400 के आसपास, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अगर 1 महीने पहले देखोगे तो आपको ये मिल रहा था करीब करीब 1300 के आसपास। 1 साल पहले आप देख सकते हो तो ये था करीब करीब 700-800 के करीब। सो बहुत ही शानदार शेयर रहा है ये। और ये देखिए 5 साल का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो ये देखिए 5 साल चार्ट अगर आप देखोगे तो 500 के करीब मिल रहा था। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार शेयर है फ्रेंड्स। सो अभी मैंने NSE के ऊपर इस शेयर से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आज का इसका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो होल्डिंग इतना कुछ अट्रैक्टिव है नहीं, आप देख सकते हो, बट ये गजब का शेयर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अगर जितना आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे आपको अच्छा ही मुनाफा मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स थोड़े बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट आप देख सकते हो। पिछला क्वार्टर का था करीब करीब 5000 के आसपास, और नेक्स्ट क्वार्टर में डबल हो चुका था। अभी इनके और एक रिजल्ट आएंगे सामने, तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट हो ही सकती है। सो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार शेयर है, और जिनके भी पोर्टफोलियो में उनको यही सलाह देना चाहूँगा फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको होल्ड करना। लंबी होल्ड मतलब बोलते हैं ना अवधि के लिए, आप अगर इसको होल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये 5000 तक जाएगा। सिर्फ आप 5000 मत देखना, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको 5 से 7 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छा खासा मुनाफा पैसा मिलेगा। सो बहुत ही अच्छा शेयर है फ्रेंड्स, इसको होल्ड रखिए। सो ये था पहला शेयर बाटा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है PVR। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, बहुत बार मैंने इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी बना के बताया कि मीडिया सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त एक मल्टीबैगर अगर कोई शेयर है तो वो PVR ही है। बहुत ही इसका भी टारगेट बहुत ही गजब का टारगेट है फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए। सो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। आज आप देख रहे हो PVR ये 1700 पे चल रहा है, 1700 पे। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चार्ट देखोगे तो बीच में ये शेयर बहुत ही नीचे आया था, नीचे मतलब आप देख सकते हो करीब करीब 1200 या फिर 1300 के आसपास आ चुका था जब भी मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, सर आपने जो बताया था शेयर देखिए सर नीचे आने लग गया, जो हम लोगों ने खरीदा था 1400 पे अभी ये 1200 पे आ गया, मतलब 200 रुपया नीचे आने लग गया, सर ऐसा शेयर मत बताओ जो 200 रुपया। तो मैंने उनको क्लियर कट कहा था, देखिए शेयर मार्केट में अच्छा कंपनी का शेयर सिलेक्ट करना ही सिर्फ अच्छी बात नहीं होती है, उसको अच्छी तरीके से होल्ड करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। उनको मैंने कहा था कि PVR एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, क्योंकि मीडिया सेक्टर में ये एक ही ऐसा शेयर है जो प्रॉफिट में है, बाकी सब कंपनियाँ अगर आप देखोगे तो सारी कंपनियां नेगेटिव में, सारी कंपनियां, सिर्फ PVR है जो बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है। तो उन लोगों को मैंने कहा था इसको आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, आपको डेफिनेटली पैसा बना के देगा। मार्केट थोड़ा तभी डाउन था तो आप देख सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने तभी देखा था कि PVR प्रेशर में होने के कारण उसको 1200-1300 में लॉस बुक करके सोल्ड किया। कैन यू इमेजिन, 1400 में उन्होंने एंटर किया था, 1200-1300 में उन्होंने बेच दिया। क्यों? लॉस बुक करके, कि उनको लगा था ये शेयर और नीचे जाएगा। बहुत सारे TV पे भी दिखा रहे थे कि ये शेयर करीब करीब 1000 के या फिर उसके नीचे जा सकता है। तो मैंने अब उनको क्लियर कट कहा था कि देखिए ये कंपनी बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने कहा था अच्छी कंपनी सिलेक्ट करना और उसको इक्वल वैलेंटली लंबी अवधि के लिए होल्ड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो अगर उन्होंने वो बात सुनी होती तो आज ये शेयर देख सकते हो आप फ्रेंड्स 1700 भी क्रॉस किए इसने, 1700। तो जो मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में ये बात मैं बोलूँगा कि अच्छा शेयर सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको होल्ड करना। अगर आप होल्ड ही नहीं करोगे तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिलायंस, TCS, इंफोसिस जैसे शेयर खरीदे और नीचे जा रहे इसलिए बेच के एग्जिट कर लिया। कैन यू इमेजिन, ऐसे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है जो NSE के टॉप 10 में आते हैं,
तो जस्ट मैं आपको यही बताने के लिए मैंने कवर किया ये शेयर को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा खासा लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर 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 मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था स्टॉक मार्केट हर वक्त डाउन नहीं जाता है, उस वक्त डाउन था बट आज आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट अपने हाई लेवल पे और आज करीब करीब निफ्टी में 150 पॉइंट्स प्लस है, रैली आ चुकी है। तो आप देख सकते हो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा कंपनी का शेयर है और इसको होल्ड करने का ही सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, उसके बाद जो शेयर मैंने सिलेक्ट किया है उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़। ये देखिए 150 पॉइंट प्लस निफ्टी, हाल ही में कुछ दिन पहले 158 पॉइंट डाउन था निफ्टी, तो मैंने उस वक्त भी क्लियर बोला था आप लोगों को ये इलेक्शन का पीरियड है, मार्केट हिलेगा, ज़बरदस्त हिलेगा। और उसी से रिलेटेड मैंने एक शेयर डिस्कस किया था आप लोगों के साथ और उसका नाम है RVNL, बहुत ही पॉपुलर IPO आया था और मैंने क्लियर कट बोला था। आप मेरा कल का ही वीडियो देख लीजिए और जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए वो भी आप सेम चेक कर लीजिए कि मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं। मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर कल बाजार, अगर निफ्टी ग्रीन अंक में मतलब हरे निशान में अगर रैली आती है तो ही इस शेयर में आपको रैली दिखेगी या फिर ग्रीन ये दिखेगा। मैं इसको ग्रीन बार बोलता हूँ और रेड बार बोलता हूँ, इजी में समझ में आता, मतलब ये शेयर में अपवर्ड रहेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट आज अच्छा था, ग्रीन था, इसलिए आप इस शेयर को, आपको ये ग्रीन बार दिख रहा है। अगर कल मार्केट निफ्टी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वापस इस शेयर में आपको गिरावट नज़र आ सकती है। और जैसे मैंने कहा था इस शेयर से रिलेटेड डिसीजन क्या लेना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था इस शेयर से रिलेटेड कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी अभी जस्ट लिस्टिंग हुआ है 11 अप्रैल, आप देख सकते हो तभी से ये जस्ट आया हुआ है। सो जो कुछ भी डिसीजन देना है वो आपको लेना है। और जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी के ऊपर बेस आपको डिसीजन देना है, मतलब आप ये सोचते हो कि निफ्टी आने वाले समय में और ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है 12,000 के और जा सकता है, तो आप शेयर में बने रह सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि निफ्टी टूटेगा, नीचे जाएगा, तो आप इस शेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। बस आपको वही बात याद रखनी है निफ्टी से रिलेटेड जो मैंने अभी बोली वो, और एक क्या बात मैंने बताई थी कि इलेक्शन, अभी इलेक्शन का पीरियड है, मार्केट बहुत हिलेगा। बेस्ट एग्जांपल है, दो दिन पहले का मार्केट देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल था 150, सेम उतना ही आज रिकवरी। तो ये होता रहता है स्टॉक मार्केट में इलेक्शन के टाइम में। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केट हिलता है, ज़बरदस्त हिलता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने कल का मेरा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने सेम वर्डिंग्स यूज़ की थी। सो डिसीजन आप ही का रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शेयर से रिलेटेड मैं बात करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज आप देख सकते हो इंडियन रुपी वापस डॉलर के मतलब प्रति कमज़ोर हो चुका है, मतलब आप देख सकते हो करीब करीब आज इसने अगर आप चेकआउट करोगे तो 70 रुपया टच किया था, मतलब एक डॉलर खरीदने के लिए हम लोगों को 70 रुपया देना पड़ेगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि डॉलर बढ़ेगा तो सबसे फ़ायदा किन कंपनियों को होता है, तो IT सेक्टर से होता है, क्योंकि उन लोगों को पैसा डॉलर्स में मिलता है। तो आज आप देख सकते हो, आज वैसे देखा जाए तो सारे सेक्टर बहुत ही गजब के चल रहे हैं, बट फिर भी आप देख सकते हो कि IT सेक्टर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। ये देखिए, ये सारे IT कंपनी के शेयर मैंने आपके सामने ओपन किए और अगर आप चेकआउट करोगे तो सारे हरे निशान में ही है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप यहाँ पे ज़रा नज़र डालोगे तो सारे आपको हरे निशान में ही नज़र आएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे IT कंपनी के ही शेयर है। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे शेयर है। जैसे मैंने कहा था, जब भी डॉलर बढ़ता चला जाएगा, मतलब इसका कॉस्टली होता चलेगा रुपी के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हो IT शेयर में एक अच्छी खासी खरीदारी होती रहती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास IT कंपनी का शेयर है तो प्लीज़ इसको होल्ड करना, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि डॉलर अगर आप देखोगे तो दिन ब दिन उसका प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा यह IT कंपनीज़ को ही होगा। तो जस्ट इसके रिलेटेड वही अपडेट देना था कि देख सकते हैं आप कैसे डॉलर बढ़ेगा तो IT कंपनी शेयर होल्डर्स बहुत खुशी में मनाते रहेंगे, आप देख सकते हो। तो इसके बाद जो शेयर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, वक्रांगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है। आप देख सकते हो वक्रांगी में डाउनफॉल है और इससे रिलेटेड में मैंने आपको बहुत बार अवेयर किया है कि वक्रांगी में एक बीच में बहुत ज़बरदस्त रैली आई थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत गजब की रैली आई थी। और वो मैंने क्यों बताया था, 67 रुपीज़, मैंने दो रीज़न बताए थे और वो रीज़न ये थे कि वक्रांगी के रिज़ल्ट आने वाले हैं और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका रिज़ल्ट इस बार 100 लाख क्रॉस कर सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस माने जा रहे हैं और उसी के प्रति ये रैली जनरेट हुई थी। और सेकंड जो बात मैंने बताई थी कि मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है, आप देख सकते हो मार्केट अपने हाई लेवल पे चल रहा है अभी, और इसी का फ़ायदा लेके आप देख सकते हो कि सारे कंपनी के शेयर्स अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्लियर कट बोला था कि ज़रा इस मार्केट्स के संभल लीजिए और दिमाग लगा के अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि सारे कंपनी के शेयर्स अभी चलेंगे। अगर आप देख सकते हो एक्सेप्ट ऑटो सेक्टर, जिससे रिलेटेड मैं बात अभी करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो वक्रांगी से रिलेटेड आज डाउन है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, वक्रांगी से रिलेटेड जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता है आप लोगों को इस शेयर में निवेश नहीं करना है। रिजल्ट अभी सामने आएंगे तब
हम लोग देखेंगे। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आए तो डेफिनेटली ये शेयर एक अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, 70 to 80 के लेवल वो आराम से तोड़ सकता है। बट अगर इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, 100 उसने क्रॉस नहीं किया, लैक्स क्रॉस नहीं किया, तो ये शेयर शायद से वापस उस रेंज में जा सकता है जो वहाँ से पहले आया था, जो कि था 40 to 45 लेवल के रेंज में। सो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिनके पोर्टफोलियो में है होल्ड रखना, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है प्लीज़ अभी मत खरीदना फ्रेंड्स, और एवरेज आउट की भी सलाह मैं नहीं देना चाहता, प्लीज़ मत खरीदना फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था कि मार्केट एक अच्छे खासे मूड में चल रहा है, अभी इस बहकावे में मत आना, और रिजल्ट के बाद ही इसमें हम लोग क्या करेंगे वो डिसाइड करेंगे। सो उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ वो आखिरी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। बहुत ही प्रेशर है बहुत ही सारे लोगों में, अगर आप चेकआउट करेंगे तो ऑटो सेक्टर बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है। ये देखिए एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने सारे सेक्टर ओपन किए, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, आपको सारे हरे निशान दिखेंगे सिवाय एक के, और वही है ऑटो सेक्टर। तो बहुत सारे लोग पैनिक में आ चुके होंगे कि सर हमारे ऑटो सेक्टर वापस नीचे गिरने लगे, अशोक लेलैंड गिरने लगा है, MRF गिरने लगा है, मारुति में गिरावट हो रही है, टाटा मोटर्स में गिरावट हो रही है, मदर एंड सुमी, सभी ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सारे कंपनी के शेयर 40% के करीब गिरावट है। तो मैंने इससे पहले भी आपको क्लियर कट बोला था फ्रेंड्स, जिनके पास भी ऑटो कंपनी के शेयर है आपको पैनिक नहीं होना है फ्रेंड्स, ये हमेशा स्टॉक मार्केट में होता रहता है। मैं बहुत मतलब बोलते हैं ना सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ और मुझे ये एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारे लोगों को भी एक्सपीरियंस होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही सेम सिचुएशन फार्मा सेक्टर से भी हुई थी, मतलब पहले अगर आप चेकआउट करोगे 7 से 8 साल पहले फार्मा सेक्टर में गजब का गिरावट आई थी, बहुत ही गिरावट, जैसे अभी आप ऑटो सेक्टर में एक्सपीरियंस ले रहे हो वैसे मतलब फार्मा सेक्टर में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस ले रहे थे, कंटिन्यूसली गिरावट थी। बट उसके बाद आप देख सकते हो वो साल हो जाने के बाद फार्मा सेक्टर में वापस एक रिकवरी आई और वापस फार्मा सेक्टर एक बहुत सारे लोगों का निवेशकों का फेवरेट सेक्टर बन चुका है। सो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ जिनके पास भी ऑटो कंपनी के शेयर्स है होल्ड रखना फ्रेंड्स, डरना मत। इससे रिलेटेड भी मैंने क्लियर कट वीडियो बनाया था, वो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, मैंने क्लियर कट कहा था आपको ऑटो कंपनी के शेयर होल्ड रखने हैं, लंबी अवधि के लिए होल्ड रखोगे आपका पैसा बनेगा फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे मैंने कहा था सिर्फ एक कंपनी खराब नहीं है ऑटो कंपनी, तो सारा पूरा सेक्टर ही एक नेगेटिव इसमें चल रहा है। तो याद रखना फ्रेंड्स आपको होल्ड रखना है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है क्या, लंबी अवधि के लिए होल्ड रखना है, उसको टाइम देना है फ्रेंड्स। अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। इनफैक्ट मैंने बहुत बार वीडियो में ये भी कहा है, अगर आप चाहते हो तो ऑटो सेक्टर में निवेश करके लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हो, लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनी के शेयर नीचे आ चुके हैं, इतने सस्ते लेवल पर मिल रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ये शेयर खराब हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा था MRF का शेयर जो सबसे महंगा शेयर है, 80,000 का शेयर इसी साल 80,000 था, आज 50,000 के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर खराब हो चुका है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सारे कंपनी में होता ही रहता है फ्रेंड्स। सो याद रखना ये ऐसी गिरावट सेक्टर में जब ऐसी गिरावट होती है तो इसका फायदा उठाना है फ्रेंड्स। मतलब एक जस्ट एक क्विक एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ऐसी एक बड़ी गिरावट एक बार मेटल सेक्टर में आई थी, बहुत ही गजब की गिरावट। मैं मेटल सेक्टर में ज़्यादा निवेश नहीं करता बट इतनी बड़ी गिरावट हो जाने के बाद वेदांता करके शेयर है आप सभी लोगों को पता है, वो शेयर मुझे 70 के रेंज में मिला था, 72 के रेंज में, वो उससे भी नीचे मिल रहा था 60 के करीब, तो तभी मैंने उस शेयर को खरीदा था क्योंकि पूरे मेटल सेक्टर टूट चुके थे। मुझे पता है 70 के रेंज पे मैंने खरीदा था, इतना सस्ता आप देख सकते हो। अगर आप वो ईयर अगर मेरे जो रफली याद है तो 2012-13-14 ऐसे वो एरिया था, तभी आप चेकआउट कर सकते हो चार्ट में, आपको मिल जाएंगे कि वेदांता जैसा शेयर मैंने 70 रुपये में खरीदा था। तो ओवरऑल ये कहानी बताने की बात क्या है फ्रेंड्स, जब भी पूरा सेक्टर डाउन होता है ये खरीदने का मौका बनता है फ्रेंड्स, लंबी अवधि के लिए खरीदने का। याद रखना जब आगे 3 या 4 साल बाद आप देखोगे कि ये सारे कंपनी के शेयर आपको कितने मतलब 40% प्राइस के में डाउन मिल रहे थे, तो याद रखना फ्रेंड्स कोई डरने की बात नहीं है। मैंने जैसे बोला कि सारा सेक्टर डाउन है, आपकी कंपनी जो आपने सिलेक्ट की है आपको सिर्फ पेशेंस के साथ होल्ड करना है। सो आई होप आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को देखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।